गुड इवनिंग गाइस, फ्राइडे के शाम से मैं फिर से सैटरडे की ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ। संडे को ऑफ रहेगा तो इस वीक का हाँ लास्ट ब्लॉग्स तो शूट कर रही हूँ आज। तो हार्दिक टीवी देख देख के वो मिल्क खा रहा है। आज इसके लिए मैंने पकोड़ा बनाया है और दूध। हाँ तो वही खा रहा है, मैं भी बैठ बैठ के वही टीवी देख के खा रही हूँ। तो गाइज, आप सभी लोगों का स्वागत है सैटरडे के वाओ ब्लॉग में। बाबा हाय कुआ क्वेरा को दिया गाइज। हाँ हिंदी कुआ, प्लीज टू मी ऑफ फ्रॉम हिंदी दिस कुआ ना भाई, इंग्लिश कुआ गाइज। इंग्लिश। गाइस प्लीज टू मी टीवी टू ऑफ कर। मामी प्लीज कोई नहीं बनना। हिंदी मम्मी कुआ, तुम्हें कोई नहीं बनना। मम्मी ओ मम्मी तुम्हें प्लीज ऑफ कर दे, स्टॉप कर दे वीडियो कोई ब्लाय। हाड़ी के टीवी सैसा आरु गाँव को मेरे दिशा में उठ कर मेरे छुट्टी वीडियो टू। ओके ओके ओके। तो हार्दिक बोल रहा है कि उसको टीवी देखना है, तो चलिए। खाना भी अच्छा लगता है, बनाना भी अच्छा लगता है, बट मुझे धोना अच्छा नहीं लगता बिल्कुल भी। बर्तन वगैरह बिल्कुल भी धोना अच्छा नहीं लगता। अब देखो कितने सारे बर्तन हो गए हैं, मतलब क्या ही बताऊं। और भी है, निकालूंगी तो और भी है। देखो इतने सारे हो गए हैं। हम आजकल मोबाइल्स की इतनी मतलब मिस यूज करते हैं ना, इतना मोबाइल देखते हैं, चलाते हैं, वर्क करते हैं, मतलब मोबाइल का चार्ज बिल्कुल भी नहीं रहता। ये शायद स्विच ऑफ ही हो गया, ये देखो ऑफ हो गया है। मतलब इतना चलाते हैं दिन भर। एक तो मेरे हाथ में है, एक हार्दिक के पास है, वो भी खत्म ही होने वाला, और ये तो इसको चार्जिंग में लगा देते हैं, जरूरत पड़ती रहेगी। अभी रात के 8 बज गए, अभी आए हैं, ग्रोसरी वगैरह लाए हैं, जो कुछ भी सामान चाहिए वो लाए हैं। बहुत ज़्यादा है, भारी है, तो उसको मैं ऐसे घसीट के ला रही हूँ। तो देखिए ये थोड़ा बहुत सब्जी और जो तेल, बटर, ब्रेड, जो कुछ भी दाल, प्याज, जो कुछ भी चाहिए वो ला रहे हैं। और ये मैं रात का खाना बना रही हूँ, प्याज भून रही हूँ, जो बनेगा चिकन। आज है फ्राइडे, तो आज बनेगा चिकन। चिकन बना रही हूँ। अगर आप प्याज को अच्छी तरह से भून लो, उसमें कलर आ जाए ना, तो चिकन का जो ग्रेवी है उसका कलर भी बहुत अच्छा आता है। नहीं तो आप प्याज को अगर अच्छी तरह से नहीं भूनोगे तो चिकन का कलर थोड़ा ऐसा मतलब पीला पीला पानी पानी टाइप का लगता, अच्छा नहीं लगता। मैं ज़्यादा भून लेती हूँ प्याज को तो चिकन का कलर अच्छा आता है। ये 250 ग्राम का होगा चिकन। इसमें मैं थोड़ा आलू भी डाल दूँ, क्योंकि बिना आलू मुझे खाना पसंद नहीं है, तो इसमें थोड़ा आलू भी जाएगा। और एकदम हाई फ्लेम में इसको थोड़ा टाइम भूनेंगे। तो इसमें उधर मेरा चिकन बन रहा है और इधर हबी और हस्बैंड खेल रहे। देखिए 9:30 बज गए हैं अभी। मेरा अभी मैं रात के खाने की तैयारी कर रही हूँ। हार्दिक को मतलब रोज़ रोज़ किसी के साथ खेलना ही होता है, किसी के साथ के हम दोनों के साथ ही खेल लेता है, और बाहर भी खेलने को उसको बहुत ही मन करता है, इसलिए मैं इसको आउटडोर गेम्स खिलाती हूँ और घर में भी वो खेलता है। पापा आए तो पापा के साथ तो पूरा खेलता रहता है। ये देखिए चिकन में एक अच्छा सा कलर आ गया है। आप ऐसे कर सकते हो, प्याज को अच्छी तरह से भून लो, फिर चिकन डाल दो उसमें, चिकन का कलर बहुत ही मस्त आता है। तो इसको थोड़ा ग्रेवी टाइप बनाएंगे, ज़्यादा नहीं। तो दिखाती हूँ गाइस, ये देखिए चिकन का कलर बहुत ही अच्छा आया है। इसमें कोई मिर्च वगैरह ज़्यादा कुछ नहीं है, मसाले भी नहीं है। तो गाइज रात में और शूट नहीं किया, सीधा मॉर्निंग में आप लोगों से मिल रही हूँ। मैंने आज बाल धोए थे, तो देखिए सुहाना मौसम है, तो बने रहिए मेरे साथ आज के ब्लॉग में। हाँ मैंने आज बाल धोए थे, लेकिन बाल इतने झटे हैं ना घर के अंदर, मतलब
कंघी करने से डर ही लगता है। और अभी तक मैंने मुंह पे ना कोई क्रीम लगाया है, ना कोई सिंदूर वगैरह कोई लगाया है, कुछ नहीं लगाया है। नहाने के बाद से, नहाने के बाद मतलब इतना टाइम नहीं मिलता, फटाफट से आके फिर हबी के लिए खाना वगैरह बनाना होता है। और इन दिनों मैं दिया बाती भी नहीं कर रही हूँ, तो पीरियड चल रहे तो मैं इन दिनों दिया बाती भी नहीं कर रही हूँ। तो हाँ गाइज, चलिए फटाफट से अपना थोड़ा सा मेकअप, मेकअप नहीं बोलते इसको, थोड़ा सा सिंदूर लगाते हैं, क्रीम वगैरह लगा के फिर काम करते। बहुत सारा काम है और आज दो शाम तक तो हार्डी का हार्ड स्कूल वगैरह भी रहते हैं, तो चलिए फटाफट से कर लेते हैं और एकदम वीडियो के एंडिंग में आप लोगों से थोड़ी बात करेंगे और वीडियो ख़त्म करके। तो गाइज बने रहिए वीडियो के साथ। देखा आप लोगों ने, मेरा सारा कुछ काम ख़त्म हो गया है अभी का, जो धोना वगैरह रहता है साफ़ सफाई का। बस हार्दिक नहीं उठा है, अभी 10 बजने वाले हैं, 10 ही बज गए हैं।
हार्दिक नहीं उठा है, आजकल स्कूल नहीं है तो थोड़ा बहुत सो लेता है, और रात में देर से भी सोता है ना, तो इसलिए तो उसको अभी जगाएंगे। ब्रेकफास्ट मेरा भी नहीं हुआ और अभी का तो हो गया, वो चले गए ऑफिस। तो आज जल्दी वीडियो डाल लूँगी क्योंकि शाम को मुझे हार्दिक के आर्ट स्कूल भी जाना रहता है। तो गाइज आज के वीडियो में इतना ही, होप कि आप सभी लोगों को अच्छा लगे। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइज, थैंक यू, बाय, लव यू ऑल।